जारी है इंडिया 9 बजे का सिलसिला, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। संसद से सितारों की गुमशुदगी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। राज्यसभा में आज फिर सचिन तेंदुलकर और रेखा की गुमशुदगी का मसला जोर शोर से उठा। सदस्यों ने सवाल उठाया कि अगर इनके पास वक्त नहीं है तो सांसद बनते ही क्यों है। हालांकि उपसभापति ने जवाब दिया कि लगातार 60 दिनों तक किसी के गायब रहने पर ही उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सचिन को अभी 40 दिन हुए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड की तारिका रेखा, यूपीए सरकार ने दोनों को बड़े शोरगुल के साथ राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, लेकिन दोनों की ही राज्यसभा में मौजूदगी ना मात्र की या ना के बराबर रही। अब तक इस पर संसद के बाहर ही चर्चा हो रही थी। शुक्रवार को यह मसला राज्यसभा में भी उठा। सीपीएम के एक सांसद के सवाल के जवाब में उप सभापति पीए कुरियन ने कहा कि 60 दिन से पहले किसी की सदस्यता डिस्क्वालीफाई नहीं की जा सकती। सचिन की गुमशुदगी को अभी केवल 40 दिन हुए हैं और रेखा के तो उससे भी कम। As per Article 1014 of the Constitution, if a member is absent from the meetings of either House of Parliament without permission of the House for a period of 60 days, सचिन अप्रैल 2012 में जब राज्यसभा सांसद बने थे तो उनका ये कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता क्रिकेट ही रहेगी। वो क्रिकेट की वजह से राज्यसभा के सदस्य बने हैं, इसलिए क्रिकेट पर ही ध्यान लगाएंगे। उम्मीद की जा रही थी कि रिटायरमेंट के बाद वो शायद संसद में दिखने लगे। बीते साल नवंबर में ही वो क्रिकेट से रिटायर भी हो गए, लेकिन फिर भी कुल 10 संसद सत्र के दौरान उनकी मौजूदगी सिर्फ 3 दिन की रही। उन्होंने राज्यसभा में ना तो कोई सवाल पूछा, न ही किसी बहस में हिस्सा लिया। हालांकि रेखा का रिकॉर्ड इस मामले में सचिन के मुकाबले थोड़ा मजबूत है, वो 7 दिन आई है, लेकिन दोनों साथी सांसदों के निशाने पर हैं। जब क्रिकेट खेलते थे सचिन तो प्रैक्टिस 1 दिन भी नहीं छोड़ते थे, और अब तो छूट गई है क्रिकेट, छोड़ दिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए। रेखा जी के तो हम लोग फैन थे स्कूल समय से, तो उनके बारे में क्या कहें लेकिन आना चाहिए। मैं समझता हूँ जिम्मेवारी सबको निभानी चाहिए। कुछ योगदान तो करते नहीं सदन की कार्रवाई में, तो ऐसे लोग का तो कोई फायदा है नहीं। अब जो लोग बनाए वो लोग जाने, और ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है। हाँ नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ना आना चाहिए। और ये देखिए, कोई मेंबरशिप जो है कोई ट्रॉफी थोड़ी है कि आप लेके चले गए। मामला सिर्फ रेखा और सचिन तक ही सीमित नहीं है, ऐसे कई और भी चेहरे हैं। अब मांग ये उठ रही है कि राज्यसभा में ऐसे सदस्यों को नामांकित किया जाए जो कम से कम अपने काम को गंभीरता से ले सके, जो संसद में आए, सत्र में कुछ बोले, अपने अनुभव बांटें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखें। संसद के आसमान से गायब सितारों पर नेताओं के हमले जारी हैं। सवाल मौजूद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये जगह अगर किसी माकूल उम्मीदवार को मिलती तो वो जाहिर तौर पर इसका बेहतर इस्तेमाल करता। सचिन और रेखा क्या ये बात समझेंगे? कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। संसद से अपनी गैर हाजिरी को लेकर निशाने पर आए सचिन तेंदुलकर ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। सचिन ने कहा है कि उनके बड़े भाई की बाईपास सर्जरी हुई है, इसी वजह से वो संसद नहीं आ सके। सचिन ने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था का अनादर करने की उनकी मंशा नहीं है। आज सचिन दिल्ली में ही थे जहां विज्ञान भवन में वो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार दे रहे थे। Absence in Delhi has been discussed rather a bit too much. I don't mean to disrespect any institution or any individual. When I got back from England and I had planned to be here in Delhi, there was an emergency in my family which I didn't disclose. It was a medical emergency. And I thought certain things are kept private. But just to let you know that my absence in Delhi was because my elder brother Ajit had to undergo a bypass surgery and I had to be by his side.